नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें दोनों जगह इंप्लीमेंट होती है। कैसे? ये तो अपने व्यक्ति के रूप में भी इंप्लीमेंट होती है। अगर आप दूसरी कंट्री, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें, अदर जो कंट्री होती है उनके स्थान पर भी ये इंप्लीमेंट होती है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं चाइना का, चाइना और इंडिया को उदाहरण लेते हैं। इंडिया को जो चाइना है कुछ समय पहले सॉफ्ट मानकर क्या कर लेती थी, ज़्यादा दबाव बना ली, मतलब अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आप देख सकते हैं और बाकी और क्षेत्रों में भी। परंतु जब भारत ने अपनी जो है स्थिति मजबूत की तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया। तो उसी स्थान पर यदि हम देखें कोई व्यक्ति की, तो अगर हमको सही से जीना है जिंदगी में तो हमको थोड़ा हार्ड रहना पड़ता है। मतलब इतना भी सॉफ्ट मत हो कि सामने वाला हमारा हमारी कोई वैल्यू न रखे और हमको मारकर चला जाए। वो बात अलग थी जब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ऐसा नहीं है, ये आज की डेट पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। इतना तो ना होना चाहिए कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। हम उसे, मतलब हमारी जो है सेफ्टी, हम खुद बरत सकें और हम अपनी रक्षा खुद कर सकें, तो इतना तो होना चाहिए आज की डेट में। और एक और चीज होती है, आप किसी का बुरा मत करो और अपने साथ में बुरा कोई कर ना सके, इस प्रकार आप पावरफुल हो जाओ। किसी का बुरा बिल्कुल ना सोचो, तो इस प्रकार की आपकी लाइफ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, पीआईबी न्यूज़ देखेंगे, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंटे देखेंगे, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमारा जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसका नाम क्या हो जाता है, मॉर्निंग कैप्सूल। तो आज है 17 जुलाई और आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको लिए, उनके लिए बता दें कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी। जो अदर लेक्चर है, मतलब जो पॉलिटिकल लेक्चर है, उनके लिंक और उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी। अगर आप हमसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है पीडीएफ की लिंक प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, तो इन सभी में आपको जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे क्या होने वाला है, विश्व युवा कौशल दिवस। यानी कि आप देख सकते हैं आज की डेट में मोदी जी के द्वारा जो है पीएमकेवाई, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो जारी की गई है, उसी के तहत यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर 15 जुलाई 2018 को, मतलब अभी जो है 15 तारीख को 2018 को विश्व जो युवा कौशल दिवस है वो मनाया गया है। तो हमारे भारत की दृष्टि से हम देखें तो ये जो है पीएमकेवाई जो योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तो पहली बार इसे मनाया गया था 15 जुलाई 2015 को, मतलब विश्व स्तर में ये पहली बार मनाया गया था। इसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो हमारे 2000 से 2015 तक थे मिलेनियम गोल थे, जो कि 8 थे। अब यहाँ अगर बढ़ाकर कर दिया जाए तो जो 15 है, मतलब 2015 से 2030 तक की यदि बात करें हम, तो ये जो टोटल मिलाकर हो गए 17 गोल हो गए। तो जो युवा कौशल है इसके महत्व का जो एजेंडा है उसके साथ इसे मनाया जाता है, और वर्ष 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल है 17, उसी के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया, मतलब उसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास में उनके प्रति जागरूक करना, ताकि जो बेहतर अवसर होते हैं उनकी तलाश कर सके और रोजगार को प्राप्त कर सके। 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों और युवाओं को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर, जहाँ विभिन्न देशों के जो युवा है विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल दिखाने के यहाँ कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और यदि बात करें भारत के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इनके द्वारा क्या एक शुरू किया गया जो कौशल भारत यानी कि पीएमकेवाई, इस अभियान के लिए भी ये चिन्हित किया गया है। अब आप यहां देख सकते हैं जो सस्टेनेबल गोल है हमारे 17 टोटल मिलाकर, तो यहां उनको आप देख सकते हैं। जैसे पहला है 9 पावर्टी, मतलब गरीबी को दूर हटाना है, भूख, मतलब जो भुखमरी रहती है हमारे देश में उसको दूर करना है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जिन्हें हम बोलते हैं सस्टेनेबल गोल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, जो टोटल मिलाकर 17 है। तो आप इन्हें जो है रट तो सकते नहीं, पर अगर आप इनको जो है प्रिंट निकाल के या लिख कर आप अपनी दीवार में चिपका दो, जहां आपकी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सकती हैं, तो एक ना एक दिन ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे कि कौन से नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एजुकेशन है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना जो है सस्टेनेबल गोल का कौन से नंबर का गोल है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपके थोड़े बहुत दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद इसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस दिवस को जो है समस्त विश्व में युवाओं में कौशल विकास के अवसर में जो है अधिक से अधिक योजनाएं और नए कौशल पाठ्यक्रम को सरकारी नीतियों में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि क्या हो अधिकारिक बढ़ोतरी की जा सके जो कौशल है उसकी, और रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके। स्थापना की बात करें तो स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी, और महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा
विश्व जो दिवस है उसके रूप में मनाए जाने की यहाँ घोषणा की थी। सभी देशों ने यह आग्रह किया कि वे अपने देश में युवाओं को कौशल विकास में सहायता प्रदान करें ताकि आगे चलकर जो है वो अपने जो है राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सके, तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कही जा रही है यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत जो वहाँ के मुख्यमंत्री है यानी कि मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की यहाँ घोषणाएं की है। तो जैसे कि मुख्य रूप से यहाँ हम देखें तो जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ और जो आरोपी होते हैं उनकी सभी सेवाओं को, जैसे किसी आरोपी को जो है जेल में बंद किया कर दिया जाता है इससे रिलेटेड, तो उनकी सारी जो सेवाएँ होती है जेल में उनको निलंबित करना और जो पीड़िता होती हैं उनको जो है निजी वकील के यहाँ सुविधा प्रदान करना है, इसमें मुख्य है। इसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री ने यह जो घोषणाएं हैं पंचकुला स्थित इंद्रधनुष सभागार में महिला सुरक्षा एवं ये जो है महिला सशक्तिकरण इस विषय पर आयोजित एक और सुधार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उल्लेखनीय जो कार्य है मतलब जिनमें इनकी सहभागिता थी उन महिलाओं को यहाँ पर सशक्त मतलब 4 सशक्त महिलाओं को सम्मानित भी किया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए यहाँ पर एक ऐप भी शुरू किया गया मतलब ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है दुर्गा शक्ति ऐप। ये ऐप को आपको नाम ध्यान में रखना है। और स्कूली बच्चों के लिए भी यहाँ कुछ काम किया गया जैसे उनकी सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किए गए विषय जैसे कि हम देखें तो मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी ये जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनेगा। ये प्रदेश में महिला पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे 50 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री उनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मोदी जी के द्वारा मतलब जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक टास्क फोर्स का यहाँ गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जो होगा आयात पर निर्भरता को घटाना। मतलब जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं मतलब दूसरे देशों पर जो हम जिस पर निर्भर हैं आयात करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसकी जो निर्भरता है मतलब जिस प्रकार हम उस पर निर्भर है उसको घटाने के लिए यहाँ टास्क फोर्स गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी जो कैबिनेट सचिव है पीके सिन्हा इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और औसतन यहाँ देखें भारत के अंतर्गत तो आयात करीब 450 अरब डॉलर प्रतिवर्ष है और वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात करें तो यहाँ करीब 20% से बढ़कर 460 अरब रहा और पिछले वित्तीय वर्ष में तेल आयात यहाँ हम देखें तो 25.47% से बढ़कर 109.11 अरब डॉलर रहा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अधिक यहाँ वृद्धि हो रही है आयात पर मतलब हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं कि दूसरों देशों पर हम निर्भर होते जा रहे हैं तो इसी को घटाने के लिए यहाँ पे एक टास्क फोर्स का यहाँ गठन किया गया है। यहाँ बात करते हैं हिमा दास की बात की जा रही तो हिमा दास देखें हम तो ये जो है 18 वर्षीय हिमा दास है इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 2000 को आसाम के नौगांव में हुआ था और ये जो है एथलीट है तो भारत की एक तेज धाविका है जिन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलीट्स फेडरेशन इसके अंतर्गत जो है एक वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियन हुई थी 400 मीटर की। इसमें फाइनल में इन्होंने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रकार ये ट्रैक जो है इस प्रकार के ट्रैक में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बन चुकी है। तो ये आपको नाम यहाँ याद होना चाहिए इनके बारे में। और हिमा दास जो है ऐसी पहली भारतीय महिला है मतलब इनके अलावा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस प्रकार का कोई मेडल जीता है। इन्होंने जो है 51.46 सेकंड का समय निकालकर ये टॉप पोजीशन पर रही। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन की तो ये एक प्रकार की गवर्निंग बॉडी है जो कि स्पोर्ट्स एथलीट से रिलेटेड है। इसके प्रेसिडेंट की यदि बात करें तो सेबेस्टियन कोई है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ मोनाको में फाउंडेड मतलब इसकी स्थापना जो हुई थी फाउंड कब की गई है 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन के अंतर्गत और टोटल मेंबर की यदि बात करें तो 215 इसमें टोटल मेंबर है और ये हमने देख लिया स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये गवर्निंग बॉडी है। बात की जा रही है यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद बात करें इसकी तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1943 के अंतर्गत हुई थी और भारतीय विद्वानों के समूह के साथ ये जो है थिंक टैंक जैसे कि हमारा जो नीति आयोग है वो भी थिंक टैंक का रूप है उसी प्रकार जो है इसकी स्थापना भी थिंक टैंक के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गैर अधिकारी गैर राजनीतिक एवं गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसे जो है 2001 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया और विश्व मामलों की जो भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स इसका जो मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य होता है। भारत के उपराष्ट्रपति से जो है पूर्व निर्धारित अध्यक्ष होते हैं और यहाँ बात करें जो है इसने 1947 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में एशियाई संबंध सम्मेलन और 1994 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हेतु ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है नई दिल्ली के अंतर्गत है और सर
तेज बहादुर सप्रू, जो कि 1943 से 47 तक इसके यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के पहले अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। अब यहाँ बात करते हैं इनकी, जो TCA राघवन है इनको महानिदेशक, परिषद के पूर्व अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? जो इसके अध्यक्ष है वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ बात करते हैं, एक भारतीय क्रिकेटर है मोहम्मद कैफ, इनकी बात की जा रही है। तो इन्होंने जो क्रिकेट की सभी फॉर्मेट होते हैं उनसे संन्यास लेने की यहाँ घोषणा कर दी है, और लगभग यहाँ हम बात करें तो 12 साल इन्होंने जो है टीम इंडिया के लिए मैच खेला है, और ये जो है रिटायरमेंट की इनकी जानकारी जो है ईमेल के माध्यम से इन्होंने प्रदान किया है। जन्म की बात करें इनका, तो 1 दिसंबर 1960 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंतर्गत, और ये जो है पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है जिन्होंने, यहाँ बात करें हम तो 2000 से 2006 तक क्रिकेट खेला, और 2003 में फाइनल खेलने वाली जो भारतीय टीम है मतलब विश्व कप के अंतर्गत इन्होंने हिस्सा लिया था, और इनकी गिनती टॉप फील्डर्स के अंतर्गत होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए इनके बारे में। बात की जा रही है यहाँ पर INS तरंगणी, तो INS तरंगणी की यदि बात करें यहाँ पर, तो ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन जो नेवी है इसके अंतर्गत जो पहला जहाज है जो कि वर्ष 2003 से 2004 में पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका है। इसके अंतर्गत यह जो है वर्ष 2007, 2011 और 2015 में दुनिया भर में आयोजित जो टैल शिप रेसेस है उसमें भी ये शामिल हो चुका है, और वर्तमान की बात करें तो जो लोकायन 18 है मतलब अब 21 साल की सेवा में INS तरंगनी लोकायन 18 के साथ एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुका है, जिसी के तहत जो है ये 3 मस्तूलों वाला INS तरंगनी को वर्ष 1997 में भारतीय नौसेना के लिए जहाज चलाने का यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था, और जो निर्माण है ब्रिटेन के नेवल आर्किटेक्ट कोलिन मुडी के डिज़ाइन के आधार पर इसको गोवा में इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ देखें हम तो जो INS तरंगनी है इस जहाज को लोकायन 18 समुद्री यात्रा के लिए दौरान मतलब समुद्री यात्रा के दौरान 7वें बंदरगाह ब्रिटेन के सुंदर लैंड पर ये पहुँचा है, जहाँ प्रतिष्ठित टॉल शिप रेसेस 2018 में ये शामिल होगा। यह जो है जहाज भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैनिक कमान के तहत कोच्चि आधारित जो है उसमें पहले प्रशिक्षण दल का हिस्सा है, और जहाज का यह नाम यदि हम बात करें यहाँ पर तो तरंगनी की बात करें तो यहाँ तरंग जो है मतलब तरंग है एक तरीके से, यहाँ पे लहर का होता है मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं तरंगनी को लहरों की सवारी। और लोकायन का शब्द का अर्थ देखें तो लोका यानी कि पूरी दुनिया, और यान मतलब यात्रा मतलब पूरी दुनिया की यात्रा, किसके साथ? तरंगनी के साथ। INS तरंगनी की जो लोकायन 18 है इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2018 को कोच्चि से हुई थी, जो कि 20,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करनी इसको मतलब टोटल मिलाकर यहाँ हम देखें तो 7 महीने चलेगी, और तरंगनी 13 देशों 15 बंदरगाहों पर भारतीय झंडा फहराने का यहाँ सम्मान पाया गया। बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पर्सन की, तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? हमने पीछे से जो है मुगल काल हमारा चल रहा है, तो हमने पहला देख लिए थे बाबर, बाबर के बाद देख लिए हमने क्या हुमायूं के बाद हमने देख लिए पिछले लेक्चर में अकबर। अब अकबर का बेटा है कौन? जहांगीर, जो कि सलीम मतलब उसके जो है जो अकबर है उसको सलीम के नाम से उसको बुलाता था, मतलब शेखू बाबा एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जहांगीर का जो शासन काल रहेगा यहाँ हम देख सकते हैं 1605, मतलब अकबर 1605 तक था, अब 1605 से कौन रहेगा? जहांगीर, जो कि 1627 तक ये राज करेगा, मतलब कम समय है अकबर से। अब यहाँ बात करें इसकी तो मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर इसका पूरा नाम है, और जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 यानी कि फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु 8 नवंबर 1627 को लाहौर के अंतर्गत हुई थी। मुगल वंश का ये 4वां बादशाह यानी कि 3 हमने पढ़ चुके हैं, और ये जो है अकबर मतलब महान अकबर उसका पुत्र था। 3 पुत्र थे अकबर के, जैसे कि हम यहाँ देखें तो सलीम जो कि जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेकंड मुराद था और दानियल था। अब जो दोनों थे ये तो जो थे अकबर के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब यहाँ हम देखें मुराद और दानियल जो है पिता के जीवन में ही शराब पीने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और सलीम अकबर की मृत्यु पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा था। 1605 में कई उपयोगी सुधार भी किए गए, इसके अंतर्गत कान नाक और हाथ आदि काटने की जो सजा है उसको रद्द कर दी गई, शराब और अन्य नशे आदि वाली जो वस्तु उसमें उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया गया, कई अवैध महसूलात हटा दिए गए, और किसी की भी फरियाद सुनने के लिए उसने अपने महल की दीवार से जंजीर को लटका दिया था, जिसको हम बोलते हैं न्याय की जंजीर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो अकबर को जो मतलब ये जहांगीर को अकबर किस नाम से बुलाता था? शेखू बाबा के नाम से बुलाता था, और इसके शिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था।
अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादा के रूप में बदनाम था। उसके पिता जो है सम्राट अकबर ने इसकी बुरी आदतें काफ़ी छुड़वाने की सफल मतलब प्रयास किया यहाँ पे, परंतु सफलता उसको नहीं मिली। इसी के कारण अकबर के जीवन में बहुत सारे सुख होने के कारण भी अकबर जो था जीवन पर्यंत दुखी रहा। इसके कारण मतलब उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जो है जहांगीर जो है सम्राट बना, और सम्राट बनते समय उसकी जो उम्र थी 36 ईयर थी, मतलब 36 वर्ष थी। आप सबसे पहले यहाँ की बात करें हम तो 1581 में सलीम को मतलब अकबर के द्वारा जो है मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। 1585 में अकबर ने जहांगीर को 12,000 मनसबदार बनाया था, और 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह किसके साथ कर दिया गया, जो राजा भगवान दास है इनकी पुत्री जो है मानबाई इनके साथ हुआ था। और बात करें यहाँ पे तो इनको शाह बेगम के नाम से इनकी उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ था, जो जहांगीर था वो शराब बहुत अधिक पीता था, तो उसी की आदत मतलब शराब की आदत से दुखी होकर जो मानबाई थी मतलब इनकी पत्नी, उनने आत्महत्या कर ली। उसके पश्चात इसने दूसरी शादी की, किससे, जो उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई यानी कि जोधा बाई, इससे विवाह किया था। अब इसके पश्चात यदि हम देखें तो 1599 में जो सलीम था यानी कि जहांगीर था, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो अकबर है मतलब अपने पिताजी उसके विरुद्ध भी यहाँ विद्रोह कर दिया था, मतलब युद्ध के लिए खड़ा हो गया था। 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित कर उत्तराधिकारी घोषित किया, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु हुई तो 3 नवंबर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले पर यह संपन्न हुआ। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति ही उदार प्रवृत्ति का था, और बादशाह बनने के बाद उन्होंने न्याय की जंजीर, जैसे कि हमने देखे पीछे इस नाम से प्रसिद्ध था, सोने की जंजीर को आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना की नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवा दिया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदर्शों की यहाँ घोषणा की गई थी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है नियमों की यहाँ घोषणा की गई इसके द्वारा, और इसके टोटल मिलाकर 5 पुत्र थे। जैसे कि हम देखें तो खुसरो था जो कि इसकी पहली पत्नी थी, मानबाई उसका पुत्र था, बाद में इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है मतलब जहांगीर के द्वारा खुसरो, क्योंकि खुसरो जो रहता है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परवेज है, खुर्रम है, शहरयार है और जहांदार है। तो खुर्रम जो है आगे शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो कि अगला शासक होगा किसका, मुगल वंश का। तो खुर्रम मतलब शाहजहां। अब जहांगीर जो था शराब की लत से बहुत पीड़ित था, मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा था, परंतु उसको पता था कि शराब के बहुत अधिक नुकसान है। उसके बाद भी वो लोगों को मतलब सारे रोक लगवा दिए उसके राज्य में कि शराब कोई नहीं पिएगा। अब जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी सन 1627 में, उस समय हुई जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था, और रास्ते में लाहौर में उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो था जहांगीर के बारे में। बात करते हैं हम मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री की, तो आज की जो मैप है मतलब हमारी जो कंट्री है वो है सर्बिया। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम चले तो ये हमको सर्बिया यहाँ पे नज़र आता है यूरोप में। इसके मैप को देखते हैं हम तो यहाँ देख सकते हैं आप कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। एक तो हो गया हंगरी, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, ये इसके बाद हम देखें तो अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, और यहाँ हम देख सकते हैं क्रोएशिया है। तो इन सभी से अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है। इसके अलावा हम देखें तो ये एक प्रकार से लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है। और सर्बिया की बात करें तो ये ग्रीक भाषा से आता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सर्बों की भूमि यानी लैंड ऑफ द सर्ब। राजधानी इसकी बेलग्रेड है, और बोरिस टेडिक इसके राष्ट्रपति है, और मिर्को कैविटिक ये जो है कैविटोकोविक ये जो है इसके प्रधानमंत्री है। मुद्रा यहाँ की सर्बियाई दिनार है, और सर्बिया में माउंट में स्थित एक गाँव है मतलब सर्बिया के अंतर्गत, जो कि पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं पिछले डे के क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाल ही में केंद्रीय जो है अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है एस रमेश को। यहाँ बात करें हम तो ये जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस रमेश को। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भारत में सीमा शुल्क GST केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उसके अलावा सेवा कर और नारकोटिस के लिए प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। एजेंसी जो है 1855 में स्थापित इसको किया गया था। बात करते हैं नीति आयोग द्वारा निम्न में से किस शहर में पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी कि मूव ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसके बारे में हम देखें यहाँ पे तो ये जो है नीति आयोग द्वारा सात मतलब नई दिल्ली के अंतर्गत 7 से 8 सितंबर 2018 को भारत का पहला मूव वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ, बी यानी कि नई दिल्ली।
और शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इसका उद्घाटन जो है मोदी जी यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया जाएगा। उपाध्यक्ष कौन है इसके, नीति आयोग के राजीव कुमार, और CEO जो है अमिताभ कांत, और अगर अध्यक्ष की बात करें तो खुद स्वयं कौन है, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस विवादित बिल को मतलब विधेयक को यूरोपियन संसद में रद्द कर दिया, तो इसकी यदि बात करें तो जो है यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून प्रस्ताव, मतलब एक तरीके से हम बोले तो ये जो है कौन सा यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून, इसे हम बोल सकते हैं बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की जो कि आपके लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसरो द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा बचाओ जो प्रणाली है वो किस स्थान पर उसका परीक्षण किया गया, तो इसका आपको राइट आंसर यहां सेलेक्ट करना। फिर देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार यहाँ संभाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेदिन खलम जो वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है, मतलब अभी अभी आयोजित किया गया है, तो ये आपको इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है। अब जो तीनों क्वेश्चन है उनके आंसर आप कमेंट कहाँ कर सकते हैं, एक तो आप फेसबुक पर जहाँ वीडियो शेयर होता है वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के नीचे मतलब इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जा सके। हमको पता रहेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया, कारण अगर पता रहेगा तो हम सुधार पाएंगे, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया, किसी प्रकार का आपको डाउट है। और आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत से लोग हैं जो है जिन जो यूट्यूब तो चलाते हैं पर उनकी पहुँच से जो है बहुत सारे कंटेंट भी है यूट्यूब में पढ़ाई से रिलेटेड, पर सही कंटेंट से लोग जो है अभी भी अछूते हैं, मतलब उनकी पहुंच से सही कंटेंट अभी भी दूर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दिया करो ताकि सबका फ़ायदा होते चले और हमारा जो चैनल है मतलब हमारा जो फैमिली है वो उसमें और ज़्यादा लोग जुड़ सकें। पहली बार आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।